हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, हियर इज द आंसर। एटम, द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो वो एटम के ही आसपास रिवॉल्व करती है। उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर सब कुछ एटम के आसपास होता है। किसी को जानने की बात होती है तो उसका सबसे पहले नाम जानते हैं। तो एटम एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एटमोस, जिसका मतलब एकदम क्लियर है और सबको पता ही है। एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल, जो टूटा ना जा सके, जिसको ब्रेक ना किया जैसे, अनब्रेकेबल, अपने प्यारे सुपरमैन के जैसे। तो एटमोस एक ग्रीक वर्ड है जो साइंटिस्ट डेमोक्रेटस ने दिया था, तो हमने उसका नाम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एटम में क्या स्पेशलिटी है और एटम को क्यों स्पेशल कहते हैं। पहले यही माना जाता था कि एटम टूट नहीं सकता और इसीलिए एटम को बोलते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं मतलब क्या है, ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात होती है तो ये किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो वो एलिमेंट का। एलिमेंट हम आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि कहाँ पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में। और अगर कोई चीज किसी चीज का पार्टिसिपेशन रिएक्शन में करती है, इसका मतलब क्या है कि वो उस रिएक्शन की, उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। जो लड़ता है वही योद्धा। तो हमने एक पॉइंट पढ़ लिया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। अब सेकेंड पॉइंट कहां से निकल के आएगा कि इट कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज। इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी, एलिमेंट की या जिस सब्सटेंस का ये होता है। अब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। बिल्डिंग ब्लॉक जैसे कि ईटे से दीवार बनती है, वैसे ही एटम को मिला मिला के कोई मैटर बनता है या सब्सटेंस बनता है। काफ़ी थ्योरीज एटम को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कि डेल्टन है, थॉम्सन है और रदरफोर्ड है। हम ये सब थ्योरीज आगे पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ सब्सटेंस जैसे एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। सो गाइस, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिस ना करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके बारे में हम ये सब पढ़ेंगे।